सब्सक्राइब कीजिए रुचि होम किचन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुचि, रुचि होम किचन में आपका स्वागत है। आज हम अमूल जैसा मक्खन घर पर ही बनाने जा रहे हैं और इसका टेस्ट भी बिल्कुल अमूल के मक्खन जैसा ही है। यह मक्खन मैंने हाथ से ही निकाला है। चलिए मक्खन बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 दिन की मलाई ली है और इस मलाई को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया था 1 से 2 घंटे के लिए। और यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी का भी ले रही हूँ। इस पानी का हम बाद में यूज करेंगे, वो आगे चलकर मैं वीडियो में आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पर हाथ को गोल गोल घुमाते हुए मलाई से मक्खन निकाल रही हूँ। हाथ को आपने एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। ये देखिए, मलाई हमारी इकट्ठी हो रही है। इसी तरह से हम मलाई को अच्छे से फेंटते जाएंगे। ये देखिए, मलाई से हमारा हल्का हल्का मक्खन निकलने लगा है। इसे हम अच्छे से फेंटेंगे जिससे हमारा मक्खन निकल जाए। ये देखिए, मक्खन से हल्की हल्की लस्सी निकलने लगी है। मलाई से लस्सी निकलने लगी है। अब हम मक्खन को भी अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, पूरी तरह से लस्सी निकल गई है और मक्खन भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, अब मैं इस मक्खन को पानी से अच्छे से धो रही हूँ। अब मैं इस मक्खन को एक दूसरी प्लेट में रख लूँगी। अब इस मक्खन को हाथ से अच्छे से फैला लीजिए। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और नमक को हम अच्छे से इस मक्खन में मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर हम मक्खन को अच्छे से मस लेंगे जिससे हमारा नमक भी अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा मक्खन भी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, मैंने मक्खन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं यहाँ पर इस मक्खन को दूसरी प्लेट पर रख रही हूँ और इस मक्खन को मैं अमूल जैसे मक्खन की शेप दे दूँगी। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया हमारा मक्खन बना है। अब मैं इस मक्खन को आपको कट कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, कितनी आसानी से हमारा मक्खन कट रहा है। यहाँ पर आपको एक मक्खन का पीस उठाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए, कितना बढ़िया हमारा मक्खन बना है। आप भी बाजार जैसा मक्खन बड़ी आसानी से घर पर बना सकते हैं और यह मक्खन मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। आप भी इस मक्खन को जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपना प्यार देते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।